दोस्तों आपका चैनल पाइपिंग इन मैकेनिकल ज्ञान में तहे दिल से स्वागत है। आज की इस वीडियो में जानने वाले हैं कि कतर का वीजा कैसे चेक करते हैं, कि आपका वीजा लगा है या नहीं। आप अपना वीजा दो तरीके से चेक कर सकते हैं। अगर आपके पास वीजा नंबर है तो वीजा नंबर से भी चेक कर सकते हैं, और अगर नहीं है तो पासपोर्ट नंबर से भी चेक कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अपने हम ब्राउजर पर चलते हैं, आपके मोबाइल या सिस्टम में जो भी ब्राउजर है यूज कर सकते हैं। कतर का जो वेबसाइट है, चलिए टाइप करते हैं portal.moi.gov.qa। टाइप करेंगे, उसके बाद सर्च पर क्लिक करेंगे तो ऐसा इंटरफेस खुलेगा, और अरबिक में लिखा हुआ आएगा तो यहाँ पर क्लिक करके इंग्लिश में कर देंगे तो यहाँ ऐसा इंटरफेस खुलेगा। उसके बाद वीजा चेक करने के लिए इंक्वायरी वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, उसके बाद ऐसा पेज खुलेगा। ऐसा पेज खुलने के बाद सेकंड वाले ऑप्शन यानी कि दूरबीन का जो इमेज दिख रहा है उस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद ऐसा इंटरफेस ओपन होगा जिसमें चार ऑप्शन दिया रहेगा। इन चार ऑप्शन में से सेकंड वाले ऑप्शन यानी वीजा इंक्वायरी एंड प्रिंटिंग लिखा रहेगा, उस पर क्लिक करेंगे तो ऐसा पेज ओपन होगा जिसमें वीजा नंबर और पासपोर्ट नंबर दोनों चेक करने का ऑप्शन दिया रहेगा, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। तो चलिए पासपोर्ट नंबर से चेक करते हैं। तो यहाँ पासपोर्ट नंबर पर जो सर्कल वाला ऑप्शन है यहाँ पर प्रेस करेंगे, उसके बाद पासपोर्ट नंबर वाले ऑप्शन में पासपोर्ट नंबर टाइप करेंगे। उसके बाद नेशनलिटी में इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, आप जहाँ के हैं नेशनलिटी यानी कि राष्ट्रीयता चूज कर लेंगे। उसके बाद तीन अक्षर का कैप्चा कोड आएगा, उसको डालेंगे। उसके बाद यहाँ नीचे सबमिट वाला ऑप्शन दिया रहेगा, उस पर क्लिक करेंगे। अगर आपका वीज़ा नहीं लगा है तो सॉरी रिक्वेस्ट वीज़ा नॉट फाउंड प्लीज ट्राई अगेन, ऐसा लिखा हुआ आएगा। और अगर आपका वीज़ा लगा हुआ रहेगा तो वीज़ा नंबर, नेम, पासपोर्ट नंबर ये सब डिटेल दिखाने लगेगा, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। और यहाँ ऊपर कॉर्नर राइट साइड में वीज़ा को प्रिंट करने के लिए ऑप्शन देगा, जहाँ से आप PDF में डाउनलोड कर सकते हैं। तो यह था वीज़ा चेक करने का प्रोसेस, जिसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। इस पर क्लिक करके डायरेक्ट आप पासपोर्ट नंबर डालकर वीज़ा चेक कर सकते हैं कि आपका वीज़ा लगा है या नहीं। और अभी तक हमारे चैनल को लाइक नहीं किया है तो लाइक करें, और किसी भी विषय पर जानकारी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए जय हिंद।